चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, संबित कुमार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 90 है, जो कि उड़ीसा से हैं और उन्होंने ये रैंक ड्रॉप ईयर के साथ अचीव किए। पर ड्रॉप क्यों लिया, क्या सक्सेस जर्नी है जानिए, क्योंकि संबित के बारे में बता दूं कि इसका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पर क्यों एमसीए करना चाहिए ये बात कुछ समझ में आई। तो सबसे पहले संबित, आपको ऑल इंडिया रैंक 90 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पास टेक्निकल स्किल था, पर क्यों आपने एनआईटी जाना जरूरी समझा, क्या आपकी सक्सेस जर्नी थी, कब आपने क्या सोचा, मैं चाहूंगा पहले डिटेल में बताओ। सो हेलो एवरीवन, माइसेल्फ संबित कुमार, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मेरा ऑल इंडिया रैंक 90 है। तो मेरा स्टोरी कुछ ऐसा था कि मेरा बीएससी सीएस का बैकग्राउंड है और मैंने कोडिंग फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर मेरा थोड़ा कोरोना का चल रहा था, तो घर में रहना था, कॉलेज नहीं था, और वहाँ से मैंने ऑनलाइन कोडिंग पढ़ना शुरू कर दिया था, लैंग्वेज वगैरह जो भी है। और मुझे निमसेट के बारे में थर्ड ईयर में आके पता चला था एक दोस्त से कि ऐसा भी एक एंट्रेंस होता है जहाँ पे एमसीए करवाया जाता है एनआईटी से। तो लेकिन मुझे कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया था एंट्रेंस के लिए। तो इसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था निमसेट के लिए। कोडिंग अच्छा था, लेकिन थर्ड ईयर के बाद ऐसा हुआ कि कंपनीज को मैंने खुद अप्रोच किया, मेल वगैरह किया जो भी है, उससे मुझे ये एक बात पता चला कि मतलब एनआईटी आईआईटीज में जाने का ये फ़ायदा है कि कंपनीज वहाँ पे आपके पास आता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो स्किल्स है, अगर मैं एनआईटी में आईआईटी में पहुँचूँ तो उसका वहाँ पे जाके ही कुछ वैल्यू है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप लेते हैं और इम्पिटस के साथ जुड़ के मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा मैं बता दूं कि मैंने आपको ऑनलाइन में ही बताया था, मेरा मैथ्स वीक था, 11th 12th में मेरा मैथ बिगड़ गया था, मतलब बोर्ड में मेरा 55 मार्क्स आए थे। मतलब मैं बता दूं, मुझे जब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, पैरावल का फोकस क्या होता है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने बिल्कुल शुरू से ही पढ़ा है। और इम्पिटेंस को और सर को मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि सर जो टेस्ट हुए थे ना वो सारे अच्छे क्वालिटी के थे। और सर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब सारे टेस्ट का एनालिसिस हमें मिला है। मतलब मॉक शुरू होने के बाद भी मुझे याद है 23 FLT हो चुका था, और उसमें भी सबका एनालिसिस सर ने दिया है, और मैंने शुरू से ही सारे टेस्ट और एनालिसिस अटेंड करे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद स्कोर भी इम्प्रूव होता गया है, और जब भी मतलब थोड़ा टेस्ट खराब होता था तो वहाँ पे सर होते थे बताने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, और स्पेशल सेशन में भी बता देते कि ये वाला टेस्ट का लेवल यह था, स्कोर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पेपर में आप 800 स्कोर नहीं कर सकते, पेपर में 100 स्कोर नहीं हो सकता, तो ये बात भी आप समझा देते थे और हमेशा अवेलेबल भी रहते थे, जो भी डाउट है व्हाट्सएप करने में बता देते थे। मुझे तो लगता है कि मतलब इंडिया का हर जो भी बच्चा है एमसीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उनके पास आपका नंबर तो जरूर होगा, और सर ऐसा ही है। तो देखिए संबित ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली, इसका कोडिंग स्किल बहुत अच्छा था नो डाउट, और दिमाग में ये था कि चलो कोई कंपनी में हम जॉब ले लें, फाइनल ईयर तक ये थॉट प्रोसेस था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो बात इसने बोली वो हर बच्चे के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोडिंग स्किल कितना भी अच्छा, कई बच्चे होते हैं जिनके पास कोडिंग नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है पर उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं होती। एनआईटी या आईआईटी की डिग्री का केवल एक काम होता है, वो होता है आपका गेटवे, मतलब आपको अगर गूगल में जाना है, फेसबुक में जाना है, कोई भी टॉप एमएनसी में जाना है तो आपके लिए गेट खुला। जो अभी आपने बात बोली कि मैं अप्लाई कर रहा था कंपनी के लिए, जब आप एनआईटी में जाओगे आईआईटी में जाओगे तो कंपनियां आएंगी, कंपनियां आपके स्किल को देख पाएंगी। तो ये जो डिग्री होती है कोई भी डिग्री, उसका एक केवल इतना सा रोल है कि आपका स्किल को आपको वो चेक कर लेते हैं, यानी कंपनी में जाने के लिए गेटवे, बाद में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 साल बाद कोई नहीं पूछा किस एनआईटी से थे कहां से थे, तो वो स्किल के लिए बहुत जरूरी। अच्छा अब आपने एक और बात बोली कि मैथ्स बहुत आपका वीक था, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं पता थी, तो अभी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनमें से कई बच्चों का मैथ्स का स्किल वीक होता है, और इस बार मैंने 9th 10th बोलता था अब तक, इस बार मैं करवा भी रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि कैसे आपने मैथमेटिकल स्किल को डेवलप किया। जी सर, मैथ्स का ऐसा होता है कि ऐसा पहले से कुछ फिक्स नहीं होता कि आपसे मैथ नहीं बनेगा, तो सारा चीज़ प्रैक्टिस का है, क्योंकि सर मुझे पता था मेरा 10th तक मैथ बहुत अच्छा था, मतलब 10th में मेरे 95 के आसपास मार्क्स आए थे बोर्ड में, तो मेरा मुझे बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन में था ना उसमें मेरा इलेक्टिव था मैथ्स, तो मुझे अपनी गलती पता चल चुका था कि मेरा जो 12th में मैथ में स्कोर क्यों खराब है, उसका रीजन था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बस कोचिंग वगैरह में पढ़ाते थे, मैं वहाँ पे पढ़ लेता था, रूम पे प्रैक्टिस नहीं करता था। तो ग्रेजुएशन में जो इलेक्टिव था मेरा, वहाँ पे मैंने खूब प्रैक्टिस करी, और मैं बताऊँ जो सेमेस्टर में मेरा मैथ था उसमें मैंने कोर से ज़्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस किया है, तो ग्रेजुएशन के एंड में मुझे ये पता चल गया था कि मैथ्स मेरे से बनेगा अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो जरूर, तो इसलिए मैंने बेसिक से पढ़ना शुरू किया, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए,
और DPP वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज में मिल जाता था वो सॉल्व किया। अच्छा ये होता था कि आपने गाइड किया था कि भटकना नहीं है, मतलब बच्चे क्या होता है कि मैंने सेल्फ स्टडी करा, बच्चे सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो जो लोग क्लासरूम में हैं तो उनका कुछ दिक्कत नहीं है, जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो जो भी है फ्रेश है जो भी सेल्फ कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे ही प्रिपरेशन तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कोई होता है कि ये कर लो, कोई होता है वो कर लो, तो हाँ, इससे 10 लोग बच्चे दस भटक सर आए। जाते हैं। हाँ हाँ तो आपने बताया कि ज़्यादा ये नहीं है, बुक वगैरह में मैंने स्टार्टिंग में बता दूँ, मैं बुक में फंसा था, मुझे कोई बता दिया सीनियर कि RD ऑब्जेक्टिव कर लो, NIMCAT 23 का पेपर का लेवल अच्छा था, तो जो भी सीनियर से पूछा मैंने वो लोग वो बोले कि RD ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लो, ठीक है मैं RD ऑब्जेक्टिव अलजेब्रा उठाया, उसका अलजेब्रा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री में आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं बन रहा था, तो मुझे लगा कि ट्रिगोनोमेट्री इतना ख़राब तो नहीं है कि कोई कुछ नहीं बन रहा है। फिर जब मैंने NIMCAT का PYQs देखे तो वो बन गया, मैंने वहाँ पर लेवल मैच किया, RD का लेवल NIMCAT मतलब जो पेपर होता है उसका लेवल का है ही नहीं, इसमें बेसिक पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, एक बात मतलब 10-15 का वैल्यू पूछ लिए, उसके लिए RD ऑब्जेक्टिव की क्या क्या जरूरत है, ये बात आपने मुझे समझाई। और मैंने DPT जो मिलता था और TWPT मिलता था वो सब सारे अच्छे से सॉल्व किए, और टेस्ट क्वेश्चन बहुत होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं ना उनका मैंने सर रिकॉर्ड बनाया था टॉपिक वाइज का और FLT का अलग, तो सारे टेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था मैं उसमें नोट कर लेता था, और सर वीकली उनको रिवाइज करता था, मतलब जो भी है ये वाला सवाल मुझे नहीं बना है तो इस कंसेप्ट पर अगर दोबारा सवाल आ जाए डाटा चेंज के साथ तो वो मेरे से बनना चाहिए। सो वो भी आपने ही सिखाया है, नोट पहले से ही बता दिया था कि नोट बनाना, और एंड में जाके यही आपका मतलब एक वैल्यूएबल एसेट होने वाला है, और इसमें सारे अच्छे अच्छे सवाल का एक कलेक्शन बन जाएगा, वो सही है। तो बिल्कुल समित सही बात बोली। मैं भी कई बच्चों को बोलता हूँ, इस बात को आपने पकड़ लिया। कई बच्चे गाइड के चक्कर में अपनी रैंक बिगाड़ गए जी कि जी जी जिस लेवल, अच्छा कभी उस लेवल का क्वेश्चन आ भी जाए तो वो निमसेट पे हाँ छोड़ने के लिए आता, छोड़ने के अटेम्प्ट लिए करने के लिए आता नहीं है, आता, हमें पता होना जैसे इस चाहिए। बार का पेपर था तो हाँ सारे क्वेश्चन करने वाले नहीं थे ना, जो पहले इजी इजी होते हैं उसके ढूंढ के करो, अगर आप बुक के चक्कर में भटक जाओगे ना तो आप पेपर में डिस्कनेक्टेड। जाके वही वाला सवाल अटेम्प्ट करने वाला हो जो जैसे आपने बुक में सॉल्व किया था लेंथी वाला, जो कि NIMCAT में नहीं करना है, तो ऐसा चीज़ तो अभी जब इस बार आप पेपर देने गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? है। जब मैं पेपर देने के लिए गया था आपने बताया था कि कोई माइंडसेट नहीं करना है, जो भी जो दिक्कत ये माइंडसेट की वजह से ही 23 वाले बच्चों के साथ दिक्कत होता रहा लेंथी वाला, कनेक्टेड। तो माइंडसेट नहीं करना है, मैं ऐसा ही गया था। और सर ये बता दूं कि जब सेक्शनल पेपर अनाउंस हुआ मैं बहुत खुश था, क्योंकि सर उससे पहले जब आपने उससे पहले ही इम्पेटस में और सेक्शनल से शुरू हो गया था और उसमें मेरा स्कोर अच्छा हुआ था, आपने बताया था कि इससे इम्प्रूव होने वाला, और हुआ भी, मेरा जो ओवरऑल हर एक सेक्शन में जो परफॉर्मेंस था वो सेक्शनल पेपर की वजह से इम्प्रूव हुआ है, और जब NIMCAT ने खुद अनाउंस किया कि सेक्शनल पेपर होने वाला है मैं बहुत खुश था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा अच्छा हुआ कि कोई कुछ बच्चे होते हैं कि मैथ्स के दम पे निकाल लेते हैं, मेरा जब सारा सेक्शन अच्छा हो रहा है तो मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और बाकी रही पेपर की बात, जब मैंने पेपर देने गया और सर ने बोला था कि एक पानी का बोतल साथ में लेके जाना है, प्रेशर आया तो पीना है थोड़ा सा और थोड़ा सांस लेना है, उसके बाद पेपर बनेगा, और ये चीज़ सर काम करी है। सर मैंने जब पेपर देने बैठा तो पहले राउंड में मेरा 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे बने थे, तो एकदम स्ट्रेस आया। हाँ मुझे लगा ये ड्रॉप है, ये 12-14 क्वेश्चन बनने इससे क्या होगा, हाँ तो मैंने फिर आपको याद करा, थोड़ा सांस देके बैठा, 2 घूंट पानी पिया और सांस लिया, और सर उसके बाद बताऊँ सर मुझे एग्जाम के बाहर आकर रियलाइज हुआ कुछ क्वेश्चन जो पहले राउंड मुझे लगा नहीं हो गए मेरे से, और वो क्वेश्चन सर ऑप्शन से बन गए मेरे से, ऐसा हुआ है, इस वजह से सर मैथ में अटैम्प्ट अच्छा हो गया। फिर साथ जब LR में है आपने बताया था कि LR में इमीडिएटली मतलब मैथ के सदमे से बाहर आना है, हर बार सर जब टेस्ट ने अपने एनालिसिस दिया तो बताया था, तो वही मैंने किया कि मैथ खत्म हुआ तो मैथ को भूल जाओ, अभी LR में घुसना है, तो LR में भी सर अच्छा अटेम्प्ट था मेरा, 27 अटेम्प्ट किया था उसमें से 25 ही हो गया था, और वेरी LR की वजह गुड। से और ही मैथ्स में कितने राइट रॉन्ग हुए? मैथ में सर 4 रॉन्ग हुए था और 25 सही सही था, ठीक है ठीक है। फिर अच्छा 26 सही कंप्यूटर था, 26 कंप्यूटर सेक्शन में आ जाओ। कंप्यूटर में सर, कंप्यूटर में शिवम सर ने जो पढ़ाया था बेसिक क्वेश्चन आया था, इस बार इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जो था, पढ़ाया था वही आया हाँ था जो पढ़ाया था वही आया था, कंप्यूटर में मैंने 15 क्वेश्चन किया और वो सब सही थे। वेरी। तो नेट स्कोर कितना आया? था 544। गुड। तो अब आप ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनको, और जिन बच्चों का टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा हो, क्योंकि मुझे पता है आपका स्किल बहुत अच्छा है, उनको भी कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है, मुझसे कई बार बोलते हैं, सर हमारा तो इतना अच्छा स्किल, हम तो कर लेंगे हाँ जॉब, पर वो जॉब एक तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो बहुत कंप्रोमाइज जॉब मिलेगी, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि आपने फेस किया, आपने खुद भी अप्लाई किया कंपनी के लिए, तो जी आपको पता है क्या हो सकता है।
सर पहले मैं मैसेज है सर, जो जो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। जब आपके पास इतना टाइम होता है तो मैथ्स को सफिशिएंट टाइम दो। और एलआर जो है वो बेसिक आता है, पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा आता है, जो कि पर्टिकुलर टॉपिक से वो हो जाए। मैथ्स को थोड़ा अच्छे से टाइम दो और बेसिक से जाना है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले ही हार्ड क्वेश्चन उठा लिए, नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। मतलब एकदम से नहीं, मैथ ऐसा होता है कि एकदम से नहीं आए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा करना है। और जिन लोगों का स्किल अच्छा है कंप्यूटर में, मतलब जो बी सी ए या फिर बी एस सी सी एस बैकग्राउंड में है, तो ये होता है कि आपके जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एक्सपोजर कम होता है। तब तो आप ऑफलाइन कंपनीज को अप्रोच करते हो, भले ही आपके पास अच्छे अच्छे स्किल्स हों, लेकिन आपके मतलब पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको एक बार चांस लेना चाहिए एम सी ए के लिए और एन आई टीज में। अच्छा समित, आप क्योंकि उड़ीसा से आए हैं, ट्रेन मिली नहीं आपकी, बड़ी मुश्किल में कैसे भी करके आए, ये बहुत खुशी की बात है। तो भोपाल आने के बाद आपने कल अवार्ड फंक्शन अटेंड किया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं सर इमिडिएटली आया, एक दिन पहले ही मतलब वो सब कुछ प्लान करके आ गया, शिवम सर से बात हुआ था। और कल आके भी मतलब पूरा अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, रहने का और फंक्शन वगैरह, फिर रात को वापस बस वगैरह अरेंजमेंट था, कोई दिक्कत नहीं था। और फंक्शन बहुत ही बड़ा था, और मुझे मुझे आके पता चला, जब मैं बैठा था मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं नहीं आता तो मेरे से क्या कुछ मिस नहीं हो जाता। इसलिए सर शिवम सर को कल मैं थैंक यू बोला कि सर आप नहीं बोले होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, घर में ही होता मैं। इसलिए सर तो बहुत अच्छा खुश लगा हूँ आके, मतलब आपका सही डिसीजन था। जी सर, मेरा बहुत मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, और मेरा ये सही डिसीजन था। मैं एक दिन पहले जो डिसीजन लिया मैं यहाँ पे आने का, सही डिसीजन था। और क्या क्या चीजें आपको ऐसी लगी जिसको आपने, बहुत लोगों को सुना होगा तो बहुत सारी चीजें देखी समझी होगी, उसको उसको क्या कहना चाहिए? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जिसे भी सलाह ले रहे हो, तो खुद से थोड़ा एनालाइज करना है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक का बात अलग अलग होता है। कोई बोल रहा है ये वाला कर लो, कोई बोल रहा है वो वाला कर लो, पहले इतना घंटा पढ़ लो, उसमें कोई कुछ नहीं होता है। पहले क्वांटिटी को ध्यान देना है, जो सॉरी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को, क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, इतना सवाल कर लिए, इतना दो गाइड सॉल्व कर लिए, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड में जाके क्वालिटी काम में आता है। और मैं बोला अपना जो स्टडी रिसोर्सेस है उसको फिक्स करना है, मतलब उससे ही मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आता है। मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उससे बोला। गुड। तो चलो समित, अब आपने क्योंकि आपके टेक्निकल स्किल का भी देखना, आप जब प्लेसमेंट होगा तो आप समझ पाओगे क्या फायदा होगा इस सेशन के भी, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैथमेटिकल स्किल वीक था वो भी डेवलप हो गया, टेक्निकल भी डेवलप हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन और ज्यादा, क्योंकि अगर कोडिंग या बाकी जगह भी मैथ्स स्किल अच्छे होते हैं तो फायदा मिलता है। इनफैक्ट एंट्रेंस में मैथ्स आने का रीजन भी यही है कि बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा हाँ, हो, थिंकिंग कैपेसिटी उससे डेवलप होता है डेवलप मैथ्स। होती है। तो ये सब चीजें आपने डेवलप कर ली, अब ऐसे ही एनआईटी पे जाके परफॉर्म करना। और एक चीज याद रखना, क्योंकि आपके जो स्किल है इसको और डेवलप करना है, सेमिस्टर एग्जाम निकालना इतना टफ नहीं है, उसको साइड बाय साइड निकालते जाओ, साथ में टेक्निकल में जितना कर सकते हो करो और कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स पे बहुत काम करो, क्योंकि थैंक एआई का जमाना है, अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया तो बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। जी सर, चलो, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच। यू।